अब बात दिल्ली की करते हैं। तो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में मेडिकल उपकरण और ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी चल रही है, और ऐसे कालाबाजारी करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जो हैं जामिया नगर के इलाके के रहने वाले हैं और ऊंचे दाम पर लोगों को ऑक्सीजन के जो उपकरण हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो बेच रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर इनके पास से 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 3,000 से ज़्यादा थर्मामीटर के साथ साथ ऑक्सीमीटर्स और दूसरे सामान भी जब्त किए हैं। तो 3,486 डिजिटल थर्मामीटर मिले हैं, 283 गन थर्मामीटर, 684 ऑक्सीमीटर जो हैं वो पकड़े गए हैं, और 10 नेब्यूलाइजर और 42 प्लास्टिक पाइप भी मिले हैं। ग्रेटर कैलाश पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और ऊंची कीमत पे ये मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे थे। देखिए, आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले, आपदा में भी मुनाफा ढूंढने वाले कोरोना काल के गिद्धों को। प्रियंका कांडपाल और आशीष सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भी जुड़ेंगे भोपाल से थोड़ी देर में। लेकिन प्रियंका, दिल्ली में इस तरह की कालाबाजारी सरेआम है। हालांकि दिल्ली पुलिस कई जगह क्रैकडाउन कर रही है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं जहां लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट भी दबा कर बैठे हैं और फिर उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद आप, और लगातार हम भी न्यूज 18 इंडिया पे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गिद्ध बनके जो कोरोना महामारी के दौरान जो चीजें इस्तेमाल में आती है उनकी कालाबाजारी हो रही है। कल भी हमने ये रिपोर्ट दिखाई कि ऑक्सीमीटर जिनकी कीमत एक महीने पहले तक 600-700 रुपए थी, वो भी किस तरह MRP 4,000 डब्बे में लिखी हुई है, 3,000-3,500 रुपए तक लोगों को मिल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें जिनके दाम केवल 6,500 रुपए हैं, 7 लीटर की ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात करें, वो बाजार में 27,000 रुपए तक लोगों को मिल रही है। तो कालाबाजारी चरम पर है, लोगों की जरूरत है इसलिए लोग इतने ज्यादा दाम देकर भी खरीद रहे हैं। जी आनंद जी। प्रियंका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ जो है एक तो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है, स्कैर्सिटी क्रिएट की जा रही है मार्केट में, क्योंकि सप्लाई तो बहुत सारा है, सामान स्टॉक सब कुछ है, लेकिन जानबूझ के उसका अभाव दिखाकर लोग मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें नकली सामान भी बहुत घुस रहा है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ दवाइयों की भी जो है नकली दवाइयों को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है, तो क्या इस पर क्रैकडाउन हो रहा है? जी बिल्कुल, अब ये जो अहम जिम्मेदारी है ये प्रशासन के ऊपर आती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या बाकी जो दवाइयां हैं उनके नाम पर नकली दवाइयां तक लोगों को बेची जा रही है। सिर्फ वही क्यों, ऑक्सीमीटर जैसी बेसिक चीजें जो हैं वो भी खराब, जो लोकल होती हैं, जो आप एक बार जिनको देखते हैं चलती हैं, और वो उसके लिए भी 2,000 रुपए लोग पे कर रहे हैं। तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अब ये कहा गया है कि जो लोग होम आइसोलेशन में है उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की कोशिश दिल्ली सरकार करेगी। वैसे ही एम्बुलेंस के बढ़े हुए चार्जेस, जो 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के लिए 40,000 रुपए एम्बुलेंसेस चार्ज कर रही थी, कल दिल्ली सरकार की तरफ से उनकी भी कैपिंग कर दी गई है, उन पर भी प्राइस कैप किया गया है। लेकिन बावजूद उसके अगर कोई फिर भी मनचाहे दाम वसूल रहा है, चाहे दवाइयों के चाहे नकली दवाइयां बेच रहा हो, इस पर कड़ाई जो है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से ही होनी चाहिए। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा है कि पुलिस की तरफ से मामले जो है वो पकड़े जा भी रहे हैं, गिरोह के भांडाफोड़ भी हो रहे हैं। जी आनंद जी। प्रियंका हमारे साथ बने रहिए, आशीष सिंह मुंबई से जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा भी भोपाल से हमारे साथ है, और सब जगह ये कालाबाजारी के जो है किस्से, कोरोना काल के जो गिद्ध हैं, ये सामने निकल कर आए। आशीष, मुंबई महाराष्ट्र में भी कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं जहां अरेस्ट हुए हैं, कई जगह गिरफ्तारियां हुई हैं, कई जगह लोग फरार हैं, पर अभी भी ब्लैक मार्केटिंग का ये जो दौर है, ये सिलसिला ये जारी है। जी बिल्कुल आनंद, टोसिस जीवेम का इंजेक्शन मिला हुआ है नासिक में। अगर देखा जाए तो फर्जी जो है ये कहा जाए कि फर्जी दस्तावेजों के बाद टोसिस जीवेम के इंजेक्शन लिए गए थे 40,000 में और 4,00,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। यानी कि जिन चीजों की कमी है उन्हीं की कालाबाजारी तेजी से की जा रही है और खासतौर पर मानवता के ऊपर हटके की जा रही है। इसी तरह से रेमडेसिविर के इंजेक्शन के भी मामले सामने उभर कर सामने आ रहे हैं। जो FDA अथॉरिटी है वो साफ तौर पर कह रही है कि जो सरकारी यंत्रणा है उसी का इस्तेमाल करके इन इंजेक्शन को लेना है। लेकिन सबसे अहम बात यह है आनंद कि इसके बावजूद जिस तरह से कमी है
पेशेंट्स अगर एडमिट है तो उसके परिवार वालों के लिए ये मजबूरी हो जाती है कि वो किसी तरह से इंजेक्शंस अरेंज करें, लिहाजा उसी का फायदा कालाबाजारी उठा रहे हैं, मनचाहे दाम की कीमतें वसूल रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि कई फर्जी जो है, कई नकली जो दवाइयां हैं, यहां तक कि इंजेक्शंस हैं, वो सप्लाई का मार्केट एक अलग तैयार हुआ है, जहां पे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इंजेक्शंस फ्रॉड जो है फर्जी बेचे जा रहे हैं। और इसी तरह से खास बात यह है कि एम्बुलेंस की भी सेवाओं की बात की जाए तो एम्बुलेंस की सेवाएं भी इस तरह से मनमाने वसूल रही हैं कि किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे तकरीबन 2 किलोमीटर का ही अगर रास्ता तय करना हो तो भी उसके लिए 20 से 25 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मानवता किससे हट के केवल लूट की एक जो है दुकान खुली हुई है जिसमें हर कोई लूटने पे जुटा हुआ है। अब कहीं ना कहीं इनको जाकर काल जो है डंक जरूर मारेगा, अगर इस तरह से आपदा में लोगों की मुश्किलों पर आप अवसर और मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं। लेकिन आशीष आप मेरे साथ बने रहिए। मनोज, ऐसे जो किस्से हैं ये मध्य प्रदेश से भी निकल के आए हैं, भोपाल इंदौर में भी कुछ ऐसे किस्से आए हैं। खासकर डर इस बात का है कि मेडिकल कर्मचारी जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव और मेडिकल स्टाफ, जहाँ ज़्यादातर अमूमन सब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इतनी बढ़िया सेवाएँ कर रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर भी अवसर ढूंढ रहे हैं और पैसा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे। रेमडेसिविर के जो वायल्स हैं, इंजेक्शन के जो वायल्स हैं, उनको चुराकर, उन पर लेबल लगाकर दवाई अंदर नकली है और उसको 25-30 हज़ार रुपए में बेचा जा रहा है, लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या NSA एक्ट को लागू करने की बात हुई है? कहीं ना कहीं सख्ती से ऐसे लोगों की जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनसे पेश आने में बात हुई है? सरकार आनंद एकदम सही कह रहे हैं आपकी, जब जो मेडिकल स्टाफ जो होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस जो आए, चाहे वो उज्जैन हो, भोपाल हो, इंदौर हो, आनंद सारी जगह पे कि पता चला कि एक कॉलेज की, सरकारी मेडिकल कॉलेज की जो नर्स है, जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ लगते थे, वहाँ से इसका जो पैकेज है, जो पैकेजिंग होती है, उसका सिर्फ पैकेट और उसकी जो वाइल लेकर आ गई, खाली वाइल लेकर आ गई, तो उसको जिस तरह से दिखा कर कि लगातार उन्होंने खूब सारे इंजेक्शन बेचे, उसके बाद NSA में कार्रवाई सरकार ने की, ये बात सही है। लेकिन ये वो वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए, सरकार पहले नहीं जागी। एक बड़ा अजीब सा वाक्य है आनंद मध्य प्रदेश में कि यहाँ पर एक हमीदिया मेडिकल कॉलेज है, उसी का अस्पताल है उससे जुड़ा हुआ, उसमें करीब एक महीना होने को आ रहा है, 863 रेमडेसिविर के इंजेक्शन सरकारी मेडिकल अस्पताल से चोरी हो गए। वो कॉलेज जो कि सरकार का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है, आज तक नहीं पता कि आखिर वो 863 इंजेक्शन कहाँ लगे। FIR दर्ज हो गई है, बस FIR होने के बाद अभी तक नहीं पता है कि वो 863 इंजेक्शन कहाँ चले गए। तो जब सरकार में इस तरह की घटनाएं होती है, उसके बाद लगातार अभी भी सरकार कहती है कि हमने NSA लगाने की कार्रवाई की है, और बिल्कुल सच है, उज्जैन में, इंदौर में, भोपाल में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कार्रवाई हुई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज भी एक आम आदमी रेमडेसिविर हज़ारों रुपए में ख़रीद रहा है। जब उसकी हालत ये होती है तभी इस तरह के जो मौका परस्त लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में होते हैं। तो अभी भी एक अहम बात है कि सरकार अपनी तरफ से ज़्यादा रेमडेसिविर सप्लाई करने की कोशिश करे। एक कारण छोटी सी बात और बताऊँ आपको कि मध्य प्रदेश की सरकार में तो एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसर ने पहले तो रेमडेसिविर को लेकर ये कहा कि रेमडेसिविर ज़रूरी नहीं है, हर किसी को लगना ज़रूरी नहीं है। तो डिनाइल मोड की जगह सरकार अगर एक्सेप्टेंस के मोड में होती और रेमडेसिविर की सप्लाई सही की होती तो ये हालात नहीं बनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं एक डिनाइल मोड ऐसा होता है, जब आपसे कब पूछा जाता है कि आपके पास सप्लाईज कम है तो आप सीधा कहते हैं कहाँ सप्लाईज कम है, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक नहीं है, ग्राउंड पर कई सारी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं। पल्स ऑक्सीमीटर बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब कोविड होता है तो ऑक्सीजन लेवल सबसे पहले देखते हैं। थर्मामीटर, अब ये थर्मामीटर अगर फर्जी निकला, आपने दोगुना दाम तो दिए लेकिन थर्मामीटर गलत निकला, पल्स ऑक्सीमीटर दिए लेकिन वो आपने दोगुना तीन गुना ज़्यादा दाम लिए, ब्लैक मार्केट में खरीदा लेकिन उसके बाद वो फिर सही दाम सही ऑक्सीजन रेशियो नहीं बताए। रेमडेसिविर के वायल आपको लगता है 25,000 रुपए देकर आपको असली दवा मिली है, वो नकली है और उसको आपने अपने परिजन पे इंजेक्ट कराया दिए जाने बगैर, और फिर कुछ अगर गलत हो गया तो फिर आप किसको दोष दीजिएगा? ये ऐसे कोरोना काल के गिद्ध हैं कि इनको जब गिरफ्तार किया जाता है, इन पर NSA ही नहीं, इतनी सख्ती से इनके साथ पेश आने की ज़रूरत है कि ये याद रखें कि लाइफ में, ज़िंदगी में आगे जाकर कभी ऐसा नहीं करेंगे। और जो कोई ऐसा सोचे ऐसी आपदा में अवसर ढूंढने का, मुनाफा ढूंढने का लोगों की तकलीफ के अंदर, वो भी उसकी भी रूह कांप जाए, उसका ज़मीर जाग जाए और आगे से वो ये काम ना करे। अब देखिए, हमने मध्य प्रदेश की बात की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। कानपुर में कोरोना काल में आपदा के अवसर पर